गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम जा रहे हैं खेत अपने, और मेरे हस्बैंड खेत में ही हैं, वो पहले चले गए थे, काम कर रहे हैं। और देखिए आसवी को भी लिए हुए हैं, पीछे रोड निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा हम दूर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं, और मेरे हस्बैंड को देख रहे हैं कि हम फ़ोन जो है ओके कर दिए हैं, वो दूर से खड़े देख रहे हैं, और आशवी को लिए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ताकत पड़ रही है बोलने में भी, और इनको गोदी लिए हैं तो हफ्ते जा रहे हैं। तो गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं अपने खेत में, और दिखाते चल के हैं कि हमारे खेत में क्या हो रहा है। आप लोग पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे करेले का खेत है, करेले बोए हैं, और हम आ चुके हैं अपने खेत, और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। हेलो, दोस्तों देख सकते हैं मेरे खेत में बंगला भी पड़ा हुआ है। आशवी को बिठा देते हैं तख्त पे, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बंगला भी पड़ा हुआ है, और ये है मेरी जेठानी की बिटिया, झाड़ू लगा रही है बंगले को साफ कर। इधर हेलो बोलो सबसे, हेलो बोलो, हेलो करो, नहीं करोगी? तो दोस्तों देख सकते हैं आशी बैठ चुकी हैं तख्त पे, इनको बिठा देते हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, इनको लादे लादे। और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको हस्बैंड हमारे क्या कर रहे हैं। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद हम खेत पे आए हैं अपने, ये देखिए हमारा खेत है, आज भी ये जुतवाया गया है। दोस्तों ये देखिए मेरे हस्बैंड क्यारी बना रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, अभी इसमें सब्जी बोई जाएगी। और दोस्तों इसके पहले जो है इसमें बैंगन लगे हुए थे, तो बैंगन कट चुके हैं, निकल चुके हैं, और अब इसमें शिमला लगेगी, वो भी फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी शिमला के पेड़, मतलब शिमला मिर्च की कभी खेती नहीं करी गई है, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड खेती करने जा रहे हैं, और जो भी नतीजा होगा आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों कितना किसान के कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि खेती किसानी में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, ऐसे ही फसलें पैदा नहीं हो जाती हैं, एक एक दाना तैयार करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके कहीं फसल होती है, खेत में पैदा होती है। दोस्तों अपने बच्चे की ही तरह फसल की भी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके तैयार होती है फसल। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरे हस्बैंड के पसीना निकल रहा है काम कर रहे हैं, और हम भी अभी आए हैं बस घूमने ही, हमने कहा चलो बहुत दिन से खेत नहीं आए थे तो चलो घूम लेते हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको और मेरे खेत में क्या क्या लगा है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ताड़ का भी पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ताड़ का पेड़ है, अभी छोटा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए एक पीछे, दोस्तों दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक पीछे पेड़ लगा हुआ है, इसमें ताड़ी निकलती है, और शायद आप लोगों ने कभी पी हो ताड़ी, बहुत ताड़ी यहाँ पे निकलती है मलिहाबादी क्षेत्र में। और दोस्तों देख सकते हैं मेरे खेत में जो है पपीते का भी पेड़ है, तो पपीते भी लगे हुए हैं, ये देखिए। और दूसरे के खेत में कद्दू बोए हैं, ये देखिए छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे पपीते लटक रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए ये भी ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे लगाए गए हैं,
और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें जैकेट, पपीते जो है जैकेट पहने हुए हैं जो कि थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं तो कोई तोड़ ना पाए, इसीलिए इनको जैकेट पहनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड यहाँ तक आ गए हैं क्यारी बना के, ये देखिए इतनी क्यारी बन गई है और बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा है इनके, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले मिले आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ खेतों का नज़ारा कैसा है, ये देखिए सब हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों आप लोग को दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए ये भी, ये मेरा दूसरा खेत है जो ये भी आज ही जोता गया है, इसको जुतवाया है आज ही, और ये भी जुतवाया है जिसमें क्यारी बना रहे मेरे हस्बैंड पेड़ लगाने के लिए। और ये देखिए पास में उधर साइड में धान बोए हैं जो कि हमारे मेरी जिठानी के हैं।